गाजियाबाद थाना मोदीनगर क्षेत्र के तिबड़ा रोड पर दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष में फायरिंग के दौरान एक युवक योगेंद्र राणा को गोली लगने पर उसे घायल अवस्था में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये मोदी नगर के तिबड़ा रोड की 16 जनवरी 2023 की शाम की घटना है, जिसमें योगेंद्र राणा नामक एक लड़के को कुछ शिवम और उसके अन्य साथियों के द्वारा मिलकर लड़ाई झगड़ा करते हुए उसको गोली जान से मारने की नीयत से फायर की गई थी, जो उसके कुल्हे में लगी थी योगेंद्र राणा के। उसके बाद उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने योगेंद्र राणा को इलाज के लिए भेजा, साथ ही साथ तहरीर प्राप्त कर कुल 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि तिबरा रोड पर वहाँ पर लड़ाई झगड़े में शामिल थे।